एक दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आईफोन से या फिर आईपैड से, खासकर ये वाला आईपैड जो आईपैड 8 या फिर आईपैड 9 जिसमें लाइटनिंग पोर्ट है, उसे डाटा ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपको विंडोज में डाटा ट्रांसफर करना है या फिर किसी एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर करना है आईफोन से या फिर आईपैड से, ये वीडियो पूरी अंत तक देखना है। इस वीडियो में एक तरीके के बारे में बात किया जिसको यूज करके आप आईपैड से जिनमें लाइटनिंग पोर्ट है या फिर आईफोन जिनमें लाइटनिंग पोर्ट होता ही है, वो तो हटने वाला नहीं है, उसे आप एंड्रॉइड में या फिर विंडोज में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही विंडोज और एंड्रॉइड से आईफोन या आईपैड में डाटा ट्रांसफर कर सकते। आईपैड या आईफोन से विंडोज में डाटा ट्रांसफर करना है या फिर विंडोज से आईपैड या आईफोन में करना है, आईपैड या आईफोन से अगेन एंड्रॉइड में डाटा ट्रांसफर करना है या फिर एंड्रॉइड से आईफोन या आईपैड में डाटा ट्रांसफर करना है, बहुत दिक्कत आती है। तो एक ये यहाँ पे तरीका है जिसको यूज करके आप इजीली डाटा ट्रांसफर कर पाओगे, बहुत ही सीमलेसली डाटा ट्रांसफर हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐप स्टोर में जाके डॉक्यूमेंट्स बाय रेडल ऐप डाउनलोड करनी है। आप जैसे ऐप स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्स बाय READEL, डॉक्यूमेंट्स पर रेडल, ये वाली ऐप है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसे आप ओपन करने के बाद आपको कुछ कुछ ऐसा आईपैड में इंटरफेस दिखेगा। अगर आप आईफोन पे हो तो कुछ कुछ ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कंप्यूटर वगैरह कनेक्शन आ रहा है, वहाँ पे एक प्लस बटन आएगा, तो प्लस बटन में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला कंप्यूटर का ऑप्शन आएंगे। तो जैसे ही आप करोगे तो कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा या फिर बोले एक सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन की जनरेट हो जाएगी। आईपैड में जितना काम करना था वो हम कर चुके हैं, हमें विंडोज पे जाना है। विंडोज में आपका कोई भी फेवरेट ब्राउजर है वो खोल लेना है, यहाँ पे क्रोम खोल रखा है। क्रोम में जाकर आपको docstransfer.com पे जाना है, docstransfer.com पे जाना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, docs है docstransfer.com, तो डॉक ट्रांसफर हो जाओगे तो कुछ और खुल जाएगा, तो docstransfer.com पे जाना है। इस URL पे जाने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने आईपैड में हमारा कोड जनरेट हुआ था 1238, वो वाला कोड हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका लैपटॉप और आईपैड, जिन दो डिवाइस के बीच में आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ है, वाईफाई राउटर नहीं है, तो आप किसी एक फोन के हॉटस्पॉट से दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी तरीका काम कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम इंटरफेस पर जाएंगे, विंडोज में जाएंगे, तो हमें जो 4 डिजिट का कोड हमारे आईपैड में दिख रहा था वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, 1238। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे इजीली कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपलोड फाइल। अभी अपलोड फाइल जो ऑप्शन है वो इसलिए दिया गया है कि अब आपको विंडोज में से अगर आईपैड में कोई डाटा ट्रांसफर करना, कोई भी एक फाइल अपलोड करके देखते हैं। यहाँ से हमने अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर्स पे जाके देखते हैं, इस वाले लैपटॉप में इतनी फाइल्स हैं, तो पिक्चर्स पे जाके यहाँ पे एक AAA नाम से एक फाइल है, ट्री का स्ट्रक्चर है, बेसिकली कोडिंग जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा। इस वाली फाइल को अपलोड करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया फाइल अपलोड हो गई। जो फाइल हमने अपलोड की थी वो अगर हम वाई फाइल पे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे हमारी वाली फाइल आ चुकी है, ये सेम फाइल है जो कि हमने वहाँ से ट्रांसफर की थी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल आ चुकी है। इस तरह से हम विंडोज से आईपैड में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम तरीका आईफोन के लिए भी काम करेगा। तो अब एक और बात है यार, आईपैड से हमें ट्रांसफर करना है विंडोज में डाटा, हमें आईपैड से कुछ नहीं करना। आईपैड से हमारा कनेक्शन बन चुका है, सारा का सारा काम हमारा होने वाला है विंडोज से। हम मान लो कोई भी फाइल देखनी है, जैसे यहाँ पे ये मोनालिसा की पिक्चर है, ये वाली फाइल हमें कॉपी करनी है विंडोज में, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड या फिर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल नॉर्मल जैसे डाउनलोड होती है किसी वेबसाइट से, उस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है, ओपन करके देखें यहाँ पे सेम फाइल है जो कि हमारे आईपैड में थी वो डाउनलोड हो गई, और आईपैड में देखें तो ये वाली फाइल यहाँ पे है, ये वाली फाइल है, तो सेम फाइल हमारे में डाउनलोड हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए जिन भी दो डिवाइस के बीच में आप ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो विंडोज का लैपटॉप है वो विंडोज होना चाहिए, यहाँ पे आप अगर एंड्रॉइड में भी सेम प्रोसेस करोगे, कोई भी ब्राउजर खोलोगे, यहाँ पे आप सेम docstransfer.com पे जाते हो, docstransfer.com सेम प्रोसेस के साथ, अब यहाँ पे आप वो वाला कोड सेम डाल देते हो। अगर यहाँ पे देखें कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्रोम से कनेक्टेड है, गूगल क्रोम ऑन विंडोज PC, ये देख सकते हो यहाँ पे गूगल क्रोम ऑन विंडोज PC कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हमें पहले ये डिस्कनेक्ट करना होगा, अगर आपको पुराना वाला कोड है वो डाल दोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोड याद नहीं है तो डिस्कनेक्ट करके एक नया कोड जनरेट हो जाएगा, आप अपने एंड्रॉइड फोन में एक नया कोड डाल दोगे, 2446 2446, ये वाला तरीका तो है ही है जो काम कर जाएगा, जैसे आप गो पे क्लिक करोगे कर जाएगा। लेकिन एक और तरीका जो मेरे को पर्सनली पसंद है वो है सो QR कोड टू स्कैन, यहाँ पे एक QR कोड आपको दिख जाएगा, और आप सेम QR कोड को अपने आईपैड से या आईफोन से स्कैन करोगे तो यहाँ पे सीधे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगेन कंडीशन सेम है, एंड्रॉइड वाली और आईपैड आपका दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए, अगर वाईफाई नहीं है तो आप अगेन एक किसी फोन से कनेक्ट कर सकते हो।
किसी फोन के हॉटस्पॉट से। तो यहाँ पे सेम तरीका जैसे हमारा विंडोज लैपटॉप में खुल रहा था, सेम हमारा यहाँ पे खुल गया है। और हम यहाँ पे जाके देखें ना विंडोज में, तो हमारा पुराना कनेक्शन ना डिस्कनेक्ट हो गया होगा। पहले यहाँ पे कुछ सीधे होम स्क्रीन आ गई है, जो पुराना कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड में हम सेम प्रोसेस की तरह से कर सकते हैं। आईपैड में जो फोटोज वगैरह हैं, फाइल्स हैं, कोई भी फाइल हम कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतने, वीडियो देख के आपको मजा आया, कुछ वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने आईफोन आईपैड वाले दोस्तों को जो कि डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी डाटा ट्रांसफर कर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय।